आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी सेट पर। दोस्तों, जैसा कि यूपी लेखपाल की जो फाइनल आंसर की है, संशोधित आंसर की, उसको अनाउंस कर दिया गया है और उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चंस को बदला गया है और यहां पे पूरी जानकारी आपको देंगे, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए देखते हैं इसमें संशोधित जो आंसर की जो रिलीज की गई है आयोग की तरफ से, उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। तो फाइनली हम जो आंसर की जो आयोग द्वारा रिलीज की गई है उस पेज पे हम आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ए जो कोड ए है उसकी संशोधित आंसर की आयोग द्वारा जारी की गई है। आप वहाँ से आंसर की डाउनलोड करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए तो क्या क्या संशोधन हुआ है क्वेश्चंस में वो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल 3 प्रश्नों में संशोधन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 69, यानी 69। 3 प्रश्नों में संशोधन किया गया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में जो आयोग द्वारा जो आंसर है उसको, उसमें फुल मार्क्स सबको दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 21 में जो संशोधन हुआ है उसमें आंसर नंबर बी को माना गया है और क्वेश्चन नंबर 69 में आंसर नंबर डी को माना गया है। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या संशोधन किया गया है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जीवनपति का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसमें पहले आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी को माना गया था, लेकिन अब संशोधित आंसर की आ जाने के बाद यहाँ पे पुनः यमराज को सही आंसर माना गया है, ठीक है। यहाँ पे यमराज अगर जिसका नहीं था आंसर तो उसको भी यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फुल मार्क्स यहाँ पे सभी को दिए गए हैं फुल मार्क्स, ठीक है। यमराज अगर जिसका सही है उसका तो बढ़िया है, अगर नहीं जिसका सही है वहाँ पे उसको भी यहाँ पे फुल मार्क्स दिए गए हैं आयोग की तरफ से, ठीक है। अगला प्रश्न देख ले। देखिए अगले प्रश्न की बात की जाए तो 21 नंबर प्रश्न में संशोधन किया गया है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर पहले आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर डी को चुना गया था, लेकिन संशोधित आंसर की आ जाने के बाद यहाँ पे बी को पुनः संशोधित किया गया है। यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर जिन लोगों का बी राइट है उन्हीं को यहाँ पे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जिसके बी आंसर टिक किया है, जिसने बी आंसर टिक किया है उसी को यहाँ पे नंबर मिलेंगे, अन्यथा अन्य किसी को यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है 69 नंबर, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो यहाँ पे पहले आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर सी को चुना गया था, ठीक है, सी को चुना गया था, लेकिन यहाँ पे सी को संशोधित करके यहाँ पे पुनः आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया गया है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया गया है। यहाँ पर भी जिसने ऑप्शन नंबर डी को चुना है उन्हीं को नंबर मिलेंगे, यहाँ पर फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, यानी जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है उसी को नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वालों को ही नंबर यहाँ पे मिलेंगे, अन्यथा सी वाले यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे सी वालों को, ठीक है। अब देखते हैं इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हमारी कट ऑफ में। तो देखिए यहाँ पे लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर जिसके तीनों प्रश्न अगर सही हैं, अगर तीनों प्रश्न में अगर यहाँ पे सही हैं तो लगभग उसके 3 नंबर यहाँ पे बढ़ सकते हैं, 3 से 4 नंबर यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 नंबर यहाँ पे बढ़ने की पूरी संभावना है, यहाँ पे 3 से 4 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर जिसने क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 69 में जिसने भी अगर टिक जो आंसर संशोधित आंसर की आई है उसमें उसके अनुसार जो आंसर चुना है उसके 3 या 4 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, 3 या 4 नंबर अवश्य बढ़ें। अब देखिए कट ऑफ पर, इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे, ठीक है। तो कट ऑफ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे आपको कल आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में फुल डिटेल में बताया जाएगा कि जो फाइनल आंसर की आई है उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ क्या बनने वाली है।